एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे घर का लग रहा है सेकंड लेंटर और ये फाइनल लेंटर है। तो जैसा पिछले बार मैंने आपको बताया था पिछले वाले व्लॉग में, जब हमारा पहला लेंटर लग रहा था, कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है कि जिसमें गाँव के लोग आके खाना वगैरह खिलाते हैं, और पिछले बार जो है मेरे घर के परिवार लोग थे, मामा वगैरह थे, तो हमारे बाहर के मतलब गाँव वाले नहीं थे। तो इस बार के लेंटर में सारे के सारे गांव वाले ही हैं। ब्रेकफास्ट भी वही बनाएंगे, लंच भी वही बनाएंगे और डिनर भी वही बनाएंगे। एंड वो जो हमारा छोरन जहाँ जगह है, जहाँ पर हमारे शादी ब्याह फंक्शन का खाना वगैरह बनता है, तो वहीं बना रहे हैं। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। ठेकेदार उसके मिस्त्रियों को लेके मैं जाती हूँ अब छोरन में, और वहाँ पर जो मेरे रिलेटिव्स हैं और गाँव वाले हैं, मासी बुआ नाने आने, वो सारे लोग जो है यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। कुछ पूरी बना रहे हैं, कुछ लोगों ने सब्जी बना दी है, चाय, ये तीन चीज़ें जो है ब्रेकफास्ट में मिल रही है। तो ये बने हैं सब्जी, सब्जी में बना था आलू मटर। तो आज लेंटर लगाने के लिए कुल मिला के 20 से 22 लोग हैं जो लेंटर लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो खाना खाने, इसके बाद सारे लोग आएंगे, फिर घर वाले भी आज यहीं पर ही खाना खाएंगे। तो मैं, मामू, मम्मी, हम भी यहीं पर ही खा के फिर हम अपने घर जाएंगे, और वहाँ पर पहले पूजा होगी और उसके बाद जो है लेंटर का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, खाने में बने हैं आलू मटर की सब्जी, पूरी, चाय। अब मैं भी खाना शुरू करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे वापस आ गए और अब अपना अपना काम करना शुरू करेंगे। कुछ लोग जो है यहाँ पे रेता बजरी जो है एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसको बोलेंगे। कुछ जो है सरिया बांधेंगे, जो मिस्त्री वगैरह जो छोटा मोटा काम रह गया है वो करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले पूजा होगी। तो जितने में बाकी लोग अपना अपना काम करेंगे, तो उतने में मामा जी यहाँ पे पूजा के लिए हलवा बना रहे हैं, और आज की जो पूजा है वो ठेकेदार करेंगे। तो सबसे पहले जब मसाला उन्होंने भीम में भरना होता है, उस समय वो पूजा करते हैं। और जो हमारे ठेकेदार हैं वो हैं बिहार से। मुझे काम नीचे डालो, मुझे काम नहीं है। तो पूजा होने के बाद जो है फिर जो है प्रसाद जो है यहाँ जितने भी लोग बैठे थे सबको बांटा, और उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो है काम बस शुरू होने वाला है। और मेरे दीपक मामा जी भी आज लग गए काम में मिस्त्रियों के साथ। अभी तो लेबर वगैरह करते हैं काम, पहले टाइम में सारे गांव के लोग मिलके करते थे, जो लेंटर लगाने, छत लगाने, वो सारा। ये आदमी है।
कंटिन्यू काम करने के बाद अब थोड़ा सा ब्रेक टाइम है और इस समय हम यहाँ पे पिला रहे हैं इनको ठंडा, क्योंकि धूपी एकदम से बहुत तेज लग रही है। सब जूस पी रहे हैं तो मैं भी जाके पी लेती हूँ, मेरा भी मन कर रहा है। लेट्स गो मम्मी, मामा मेरे को भी दो। आया थाना तू बाजी तू जा दो, मैं तू जा दो, हाँ दो मुझे दीपक को भी देना। तो ठंडा पीने के बाद अब टाइम हो गया है लंच करने का, तो इसके बाद हम सारे लोग जाके लंच करेंगे। तो गांव में जो खाना देने वाले हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, कोई ब्रेकफास्ट देता है, फिर कोई लंच देता है और कुछ डिनर देता है। मेरे घर से जो छुरन है वो थोड़ा दूर है, मेरा घर काफ़ी नीचे है और छुरन बीच जैसे में पड़ता है। तो लंच में बना है आज राजमा की दाल और चावल। सीरियसली इन दिनों इतनी मक्खियाँ है ना गांव में, इतनी मक्खियाँ और बहुत इरिटेट करती हैं ये मक्खियाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब पीछे ही नहीं छोड़ती। कहीं भी बैठ जाओ आप, चाहे दूर जैसे बैठ जाओ तब भी पता नहीं कहाँ ना कहाँ से आ जाती है। आ गए ना, बस 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 रोल से। हाँ एक डाल दो, थैंक यू। दाल बहुत टेस्टी है ना, किसने बहुत टेस्टी बनाई दाल। तो लंच करने के बाद फिर से अपने काम में लगे सारे के सारे, और जो मौसम है वो इतना ख़राब है ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। भगवान करे बस आज के दिन बारिश ना हो, कल से बेशक होती रहे बस आज के दिन ना हो। और बस मेरे ऐसे बोलने की देर थी कि धूप निकल गई, मौसम भी ठीक सा हो गया। थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बारिश हो जाएगी, ऐसे काले बादल आ रहे थे। कभी भी लगता है भगवान मेरी सुन लेता है। और हमारे पास दो दर्शक भी है, मेरी नानी और दादी। तो भाई आज तो बहुत टाइम लगने वाला है लंटर लगने में, अभी बस थोड़ा सा ही पोषण हुआ है एंड अभी मसाला बनने में टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई बजरी भर रहा है, पहाड़ जितना मसाला तैयार हो रहा है। सच में यार ये तो पहाड़ जितना है। जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा तो ये लोग अपने काम में फिर से लग जाएंगे, बस अब शायद 2-3 घंटे और लग जाए। अब तो ठेकेदार भी लग गया काम में और थोड़ी देर बाद काम शुरू हो गया। और जो मेरे बड़े वाले मामू जी हैं वो भी हेल्पिंग जोन में पूरा पूरा काम कर रहे हैं, और इतने मस्त मूड में, सबका मन बहला के रखा है इन्होंने, नाचते गाते हंसाते हंसाते आज इन्होंने काम कराया है।
यहाँ पर तो काम चला हुआ है, हम चलते हैं ऊपर छोरन में जहाँ पे खाना बन रहा था दिन को। अभी भी शाम का डिनर भी वहीं पर ही बन रहा है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कौन कौन है और क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पे लोग। तो यहाँ पे तो जोरों शोरों से रात की डिनर बनाने की तैयारी हो रही है। तो डिनर में आज बन रहा है नॉनवेज, वेज दोनों बन रहा है। तो नॉनवेज में चिकन बन रहा है और ये चिकन का मसाला तैयार हो रहा है और साथ में चपाती, चावल दोनों चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे मेरी बुआ, नानी, मासी, चाची, दीदी ये लोग जो है रोटियाँ बना रहे हैं और जो जेंट्स हैं वो यहाँ पे वो बना रहे हैं चिकन और मटर पनीर, मतलब सब्जी बनाने का डिपार्टमेंट उनका है। तो आज का जो जितना भी काम है, जो खाना बनाने का है, जो भी लगता है ये आपस में इकट्ठा करके देते हैं। और मुझे जो हमारे गांव का ये वाला सिस्टम है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब घर बना रहे होते हैं तो ऑलरेडी बहुत काम होता है घर में, इतना मैस होता है, तो वो इतने सारे लोगों का खाना बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत मेहनत लगती है। तो गाँव के लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपके गाँव में भी या आप लोगों के जगह भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को मेरे गांव का जो ये वाला सिस्टम है वो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो वहां से आने के बाद यहां पे फिर से काम शुरू हो गया, क्योंकि पहले आधा ही लेंटर लगा था तो अभी इन्होंने जो है काफ़ी कर दिया है। तो लगभग 8 या 8:30 बजे तक हमारा ये जो लेंटर लगने का काम ख़त्म हो जाएगा। तो काम करते करते अंधेरा हो गया है और जिस जगह पे हमारा काम हो रहा है वहाँ पे जो है लाइट नहीं लग सकता, वो काफ़ी ऊपर है। तो हमको लगा भी नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, वरना लाइट का प्रबंध कर देते। तो अभी जो है टॉर्च चला के लेंटर लगाना पड़ रहा है। तो फाइनली अब जाके हमारा जो लेंटर लगने का काम है वो खत्म है। इसके बाद अब सारे लोग जाके खाना खाने जाएंगे, हम लोग भी, घर वाले भी। तो आज तो हम लोग बहुत थक गए बेचारे, जो सुबह से लगे हो तो ज़्यादा थके होंगे, हम लोग थोड़ा भाग दौड़ करके ऊपर नीचे तब थक गए, ज़्यादा तो नहीं थके। बट अब खाना खुना खाएंगे, ऊपर ले जाएंगे सबको। तो यही है, ऊपर तो अंधेरा होगा, ज़्यादा कुछ दिखेगा भी नहीं। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो।